अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये जो डिज़र्ट है ये काफ़ी मज़ेदार बनता है, आप इसे अपने मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही झटपट आसानी के साथ ये बन जाता है। आप इसे बहुत ही कम टाइम में बनाकर अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके मेहमानों को भी ये रेसिपी काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये मैंने दो मीडियम साइज़ के आम लिए हैं। तो ये एक आम हम पहले काट लेंगे इस तरह से। तो ये एक आम का पल्प हमने काट कर निकाल लिया है। तो इसे हमें क्या करना है, इसे हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें हम ये डाल देंगे। और जो आम की गुठली थी ना, तो उसे भी मैंने धोकर पानी से उसका भी पल्प मैंने निकाल लिया है। इसे भी हमें वेस्ट नहीं करना है। तो ये पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये आम की प्यूरी जो है वो तैयार हो चुकी है, तो इसे हम साइड पे कर देते हैं। और जो दूसरा आम हमने लिया था इसको भी हम काट लेंगे। तो बहुत ज्यादा पानी आपको इसमें डालना नहीं है, बस थोड़ा सा पानी हम डालेंगे और इसकी प्यूरी हम तैयार कर लेंगे। तो ये जो दूसरा आम है इसके हमें छोटे छोटे क्यूब्स काट लेने हैं। तो ये देखिए, इस तरह से बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में हमें इसे काट लेना है। तो फिर चलिए, एक आम की हमने प्यूरी तैयार कर ली और जो दूसरा आम था उसके हमने छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए हैं। तो इसे हम साइड पे कर देते हैं और आगे की प्रोसेस करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने दो ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ब्रेड की जो साइड होती है इसे हमें काट कर अलग कर लेना है। तो ये जो हमने ब्रेड के एजेस कट कर लिए हैं इसको भी आपने वेस्ट नहीं करना है, आप इसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं और आप इसे किसी भी टाइप के स्नैक्स में यूज कर सकते हैं। तो ये जो ब्रेड के स्लाइसेस है इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो ये जो ब्रेड के हमने छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं इसको हमें एक जार में डाल देना है और फिर इसे मिक्सी में चलाकर हम इसे बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसका पाउडर तैयार कर लेना है। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये ब्रेड क्रम्स हमारे रेडी हैं। तो ये आधा काम हमारा हो गया है। तो अब हम इसकी पकाने की प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक बर्तन में दूध ले लिया है। तो इसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और ये जो दूध है ये 1 लीटर है। तो जैसे ही इस दूध में उबाल आ जाएगा तो इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है, 5 मिनट के लिए। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो 5 मिनट इसे पकाने के बाद जो ब्रेड क्रम्स हमने तैयार किए थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इस दूध को हम मज़ीद कुछ देर और पकाएंगे। कुछ देर इसे पकाने के बाद देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो इसमें अब हम ये शुगर ऐड करेंगे। तो इस रेसिपी में जो आम हम यूज़ करने वाले हैं वो काफ़ी मीठे हैं, तो इसलिए मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच शुगर ऐड कर दी है। तो आप देख लीजिए जो आपने आम लिए हैं वो किस तरह के हैं और उस हिसाब से आप शुगर को एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो कुछ देर इसे हमें और पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से थिक हो जाए। इसे हमें पका कर अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेना है। तो यहाँ देखिए, मज़ीद हमने इसे पकाकर गाढ़ा कर लिया है, ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पर गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इसी तरह से। और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा ना, तब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और फिर इसमें हमने जो आम की प्यूरी तैयार की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये आम की प्यूरी आपको इसमें तभी ऐड करनी है जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो, उससे पहले हम इसमें आम की प्यूरी नहीं ऐड करेंगे, वरना जो ये आपका डिज़र्ट है ये ख़राब हो सकता है। तो चलिए, इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में डाल देंगे। तो जो हमने आम के छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए थे तो वो इस तरह से हम इस पर डालेंगे और थोड़े से पिस्ते और बादाम की गार्निशिंग भी मैंने इस पर कर दी है ताकि ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो चलिए, ये मज़ेदार सा मैंगो डिज़र्ट हमारा रेडी हो चुका है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने मेहमानों के लिए आप इसे ज़रूर बनाएं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर किए बिना ना जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।